हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में जो 30% ऐसे सिलेबस जो रिमूव किया गया है 9 to 12, है ना, तो क्लास नाइन्थ में खास करके साइंस में जो 30% सिलेबस रिमूव किया गया है पहले उसको देख लें, फिर उसके अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करें। ठीक है, क्लास नाइन्थ में केमिस्ट्री में जो रिमूव किया गया है पहला चैप्टर मेटल इन आवर सराउंडिंग, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का मेटल इन आवर सराउंडिंग, इसे रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। दूसरा, इसमें ये केमिस्ट्री नहीं है, बायो में आप देखेंगे, बायो में पहला चैप्टर जो रिमूव किया गया है वो डायवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर जिससे स्टूडेंट भागते थे, ये डायवर्सिटी। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरा चैप्टर इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेस, इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेस इसे रिमूव कर दिया गया है बायो में, ये दो चैप्टर्स। और फिजिक्स में अगर देखेंगे तो पहला टॉपिक फ्लोटेशन, ग्रेविटेशन में आते हैं जिसमें थ्रस्ट प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हमें पढ़ना होता है, ये टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। और दूसरा साउंड कंप्लीट, ये इतने चैप्टर्स को, इतने टॉपिक्स को आपके सिलेबस से जो 2020 और 21 बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये डिलीट किया गया है ड्यू टू COVID-19, क्योंकि स्कूल प्रॉपर वे में चल रही गई है और आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है लेकिन स्टूडेंट फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, जिसके कारण उनकी सिर दर्द बनी रहती है, उनके ऊपर बर्डन रहता है कि कैसे सिलेबस कंप्लीट किया जाए। इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना 30% चैप्टर सिलेबस जो है वो कट कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। तो क्लास नाइन्थ के लिए ये 30% ये टॉपिक्स हैं जिसे कि ये बोर्ड ने रिमूव कर दिया गया। ठीक है बच्चों, क्लास नाइन्थ, क्लास नाइन्थ में हम लोग केमिस्ट्री में खास करके इज मेटल अराउंड अस प्योर में हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन तक पढ़ चुके थे, सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक में हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ऑफ मिक्सचर इसमें देर आर वेरियस सेपरेशन टेक्निक आर इन्वॉल्व इन दिस टॉपिक। पहला देखिए इवेपोरेशन, दूसरा सब्लिमेशन, तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन, चौथा क्रोमेटोग्राफी,
पांचवा सेपरेटिंग फनेल छठा डिस्टिलेशन सातवां फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आठवां क्रिस्टलाइजेशन तो दीज आर द सेपरेशन टेक्निक एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक वी रिमूव वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट या वी रिमूव कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ओके तो पहला चलते हैं इवापोरेशन क्या है इवापोरेशन अब सिंपली अगर आपको कोई पूछता व्हाट डू यू मीन बाय इवापोरेशन तो आप क्या कहते हैं The liquid substances changes into its gaseous state, gaseous form after increasing the temperature. ठीक, that is called the evaporation. And with the help of this technique, हमने बताया था, वो class 10 में बताया था. With the help of this technique, our father of nation Mahatma Gandhi obtained common salt from sea water during the Dandi Yatra. ठीक? और इस टेक्निक के मदद से हम लोग आपकी जो बुक में भी दी हुई है जो इंक है पहले क्या करते आप एक्टिविटी के द्वारा समझाया उसमें कि एक बीकर ले लेते हैं उसमें वाटर ले लेते हैं और बंसन बर्नर नीचे से लगा देते हैं इस तरह से आप देखें ये जैसे एक कंटेनर ले ठीक और यहां पे आप बर्नर लगा दिए और इसके ऊपर में आप वाच ग्लास रख सकते हैं और इसमें कुछ इंक डाल ब्लू ब्लैक डाल ठीक अब इस कंटेनर में क्या है कि वाटर रिमूव वाटर बड़ा अब क्या हो जैसे ही आप हीट करो तो इसमें से जितना भी हो वाटर वो इवेपोरेट हो जाएगा उस इंक में से और सॉलिड पार्टिकल आपको बच जाएंगे सो उस इंक में से जैसे कोई भी ग्रुप ब्लैक आप इंक ले लीजिए दिस इज द इवेपोरेशन टेक्निक वी सेपरेट द सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूट फ्रॉम एन इंक थ्रू द इवेपोरेशन टेक्निक पहला एप्लीकेशन दूसरा एप्लीकेशन वी सेपरेट कॉमन साल थ्रू द सी वाटर या फ्रॉम द सी वाटर ओके तो ये चीज तो दिस इज द इवेपोरेशन टेक्निक इसे इवेपोरेशन टेक्निक तो ठीक है आज इतना ही रहने दीजिए जो कि लाइट कट चुकी है तो पहले ये मेथड इतना कम से कम एक तक आप इसे लर्न करें और इसको रखें फिर जाके एक एक करके जाएगा अब तो तीन ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं केमिस्ट्री में इज मैटर अराउंड अस एटम्स एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक में इसको आगे डिस्कस करें घर पे रहें सेव करें लाइक करें प्लीज सब्सक्राइब करो यार